वेलकम बैक गाइस, आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ढेर सारी वैकेंसी जो है बात करेंगे, जहां पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे हम एक नहीं ढेर सारी वैकेंसीज बताएंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब में तो आप ये वीडियो जो है पूरा देखिए, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और यहाँ पे जो है दोस्तों इस मंथ का जितनी भी वैकेंसी आई हुई है, जो जहाँ पे डिप्लोमा और जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं फ्रेशर्स, उनके लिए मैं यहाँ पे बात करूँगा। सो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल में और भी ढेर सारी वैकेंसी जो अपलोड है आप उनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे RVUNL की आई हुई बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों के जो है वैकेंसियाँ रखी है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो है टोटल वैकेंसी दोस्तों आप देख सकते हैं 587 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। मैकेनिकल के दोस्तों अगर बात की जाए 254 वैकेंसीज़ हैं। सिविल वाले कैंडिडेट के लिए बात की जाए तो 46 वैकेंसीज़। देन दोस्तों जो कम्युनिकेशन वाले कैंडिडेट हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 77 वैकेंसीज़। आईटी वाले कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसीज़। फायर एंड सेफ्टी में दोस्तों यहाँ पे 17 वैकेंसीज़। देन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए जो है 46 वैकेंसी। और यहाँ पे कुछ वैकेंसी ऐसी है जहाँ पे अकाउंट ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज भी आई हुई हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 1075 वैकेंसी जो यहाँ पे आई हुई है, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर दोनों के लिए पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। तो बात करते हैं दोस्तों जो असिस्टेंट इंजीनियर वाले हैं उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि BBTech के कैंडिडेट इन द ब्रांच ऑफ कंस्ट्रक्शन, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल। देन दोस्तों इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट भी, इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए क्या एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है, यहाँ पे एज लिमिट जो रखी गई है 21 लेके 40 साल के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो यहाँ पे फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है जनरल कैंडिडेट के लिए जिनका फैमिली इनकम जो है मोर देन 2.5 लाख है, उनके लिए 1600 रुपये का फॉर्म। और जो जनरल कैंडिडेट हैं जिनका लेस देन 2.5 लाख है, उनके लिए जो है दोस्तों 1400 रुपये का फॉर्म रखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे OBC और SC/ST कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया रखा गया है एग्जामिनेशन फ़ी का। कैसे अप्लाई करना है, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जो है वहाँ से जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देन दोस्तों ये जो फॉर्म है उसकी जो लास्ट डेट है, अगर उसकी बात किया जाए तो इसकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। एक्सटेंड दोस्तों आपका 21 जून तक हो चुका है, 21 जून तक जो है इसका एक्सटेंड हो चुका है, तो आप जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली वैकेंसी की ओर बढ़ रहे हैं, तो अगली वैकेंसी जो है दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL में आई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं PGCIL में जो है फील्ड इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए जो यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई हैं। देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है फील्ड इलेक्ट्रिकल के लिए 3, सिविल के लिए 7, और जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं सुपरवाइजर पोस्ट के लिए उनके लिए 15, और जो सिविल वाले कैंडिडेट हैं डिप्लोमा वाले उनके लिए 5 वैकेंसी हैं। तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 30 जो है वैकेंसी रखी गई है। यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है फील्ड इंजीनियर के लिए दोस्तों यहाँ पे BBTech और BSc रिक्वायरमेंट है इन द ब्रांच ऑफ सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक। देन दोस्तों आपका यहाँ पे 55% जो है मिनिमम होना चाहिए। अगर आप फील्ड सुपरवाइजर के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है, डिप्लोमा इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट जो है फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन है दोस्तों तो आप जो है डिप्लोमा वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप जो है फील्ड इंजीनियर पोस्ट के लिए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है 29 ईयर रखा गया है एज लिमिट, और बाकी जो रिलैक्सेशन है दोस्तों आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए दोस्तों, तो फील्ड इंजीनियर के लिए जो है 400 रुपये का फॉर्म, और जो फील्ड सुपरवाइजर है उसके लिए 300 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसका लिंक दोस्तों आपको quicktechnee.com ये वेबसाइट का लिंक आपको दिया गया है, जहाँ पर आपको ढेर सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी और इसका प्रीवियस ईयर का पेपर भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके डेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो लास्ट डेट है 11 जून 2021 इसकी लास्ट डेट है। इससे पहले जो है आप फॉर्म को फिलअप कर लीजिए,
लीजिए अगर आपने फिलअप नहीं किया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली वैकेंसी की ओर। तो दोस्तों अगली जो वैकेंसी हमारे पास है वो डेडिकेटेड फ्राइट कॉर्डर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे DFCCI है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आती है, इसमें आई हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ITI, डिप्लोमा, BBTEC, ग्रेजुएट के कैंडिडेट सब जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए जूनियर मैनेजर सिविल के लिए 31 वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जितनी भी जूनियर मैनेजर वाली पोस्ट है इसमें जो है BBTEC के कैंडिडेट, और जो एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है इसमें जैसे कि सिविल देख सकते हैं यहाँ पे BTEC और डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसको नीचे फर्दर इसको करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे और भी वैकेंसीज जो हैं आई हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BND, यहाँ पे ग्रेजुएट के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए डिप्लोमा के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो देख सकते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है यहाँ पे कितनी आई हुई है। यहाँ पे मैकेनिकल की देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है। देन दोस्तों इसके साथ साथ जो है आप जो है यहाँ पे और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जो सिविल वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ढेर सारी वैकेंसीज मिलेंगी। तो यहाँ पे सिविल के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 1074 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। जूनियर मैनेजर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया डिग्री इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है। ब्रांच जो है यहाँ पे लगभग सारी ब्रांच जो है एलिजिबल है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 10th के ITI वाले कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं। और यहाँ पे एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए जूनियर मैनेजर पोस्ट के लिए जो है 1000 रुपीज़ का फॉर्म रखा गया है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए दोस्तों 900 रुपये का, और जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 700 रुपये का फॉर्म यहाँ पे रखा गया है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर डेट की बात की जाए तो डेट जो यहाँ पे एक्सटेंड हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं डेट जो एक्सटेंड हुई है वो जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे जो है 23 जून मतलब यहाँ पे जुलाई तक रख दिया गया है, 23 जुलाई 2021 जो इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला था वो जो है सितंबर अक्टूबर में जो है कराने की बात चल रही है। दोस्तों अगली जो वैकेंसी हमारे पास है वो NTPC में आई हुई है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे NTPC में जो है वैकेंसी आ रखी है। अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की सेफ्टी के लिए 25 सीट, और जो एग्जीक्यूटिव IT डाटा है उसके लिए 8 सीट, एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 1-1 सीट यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पे टोटल जो है देख सकते हैं 35 वैकेंसी है। यहाँ पे डिग्री इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, पावर, सिविल के कैंडिडेट जो हैं 60% वाले जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, अगर आप सेफ्टी पोस्ट के लिए फिलअप कर रहे हैं। देन IT सेंटर एंड डाटा रिकवरी की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के कैंडिडेट जो हैं फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे दोस्तों सोलर पैनल में जो है सिविल के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेशलिस्ट सोलर है उसमें इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट है, 60% जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे MTech की डिग्री अगर आपके पास है तो आपको जो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 35 साल, 45 साल और 55 साल जो है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको दिया जाएगा। 300 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, quicktechni.com यहाँ इस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। देन दोस्तों अगली जो वैकेंसी हमारे पास है वो राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण या फिर अभिकरण है, जहाँ पे नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की बात किया जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सिविल के लिए 16 सीट आई हुई है। तो यहाँ पे जो है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो है फॉर्म को लिया यहाँ पे एलिजिबल है। 18 से 27 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। 840 रुपये का फॉर्म जो है यहाँ पे रखा गया है। बाकी रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू आपके कैटेगरी वाइज जो यहाँ पे जो मिलता है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। SST के लिए बात की जाए और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात की जाए तो यहाँ पे 500 रुपये का फॉर्म रखा गया है इनके लिए। और यहाँ पे दोस्तों बात की जाए इम्पॉर्टेंट डेट की, तो ये जो फॉर्म है दोस्तों 10 मई से जो है स्टार्ट हुआ है और 25 जून तक जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो इसको फिलअप करने के लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप जो है वहाँ से आके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ये वैकेंसीज थी जो आपको फिलअप करना चाहिए, और बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए सेपरेट वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, आप जो वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग। ये सारी वैकेंसीज जो है आपको quicktechni.com वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया, आप वहाँ से पा सकते हैं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग। हमारे टेलीग्राम पेज से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।